हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो मेनी फ्रेंड्स आर ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग अदिति, हर्ष, हर्षित, मिताली, मोजम, मुजम्मिल, नीव, निवृत्ति, परीक्षित, प्रज्ञा, प्रीत, रेनू, समायरा, शंकर, शर्वरी, श्रद्धा, श्वेता, सोमेश एंड तन्वी। ओके, तो बेटा, इफ यू हैव यू रिमेम्बर लास्ट वीक व्हाट वी डिड, क्या किया था, याद है? कुछ बोलो, कुछ याद है तो। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। दिस ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देर इज नो वरी एट ऑल। ब्रो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो, हम आज का लेक्चर कुछ हटके स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द कॉन्सेप्ट। तो इफ एनीबडी अटेंडिंग फर्स्ट टाइम, वो लोग ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो, जो लोग रेगुलर है वो भी दो। तो हम लोग अभी भी अकाउंटिंग के किस फेज पे है बेटा? इंट्रोडक्शन फेज पे है, राइट? तो इंट्रोडक्शन फेज पे, यानी आपको अकाउंट्स के अलग अलग चीजें सीख के लेनी है, नए नए शब्द रोज सीखने को मिलेंगे, वो देखने हैं, देन द रिमेनिंग पार्ट। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो, थोड़ा सा हटके और इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों को अकाउंटिंग समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। सी दिस, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड देर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, बोथ द वर्ड्स आर सेम और डिफरेंट? दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, दोनों शब्द वेगवेगे। इज इक्वल टू अकाउंट्स, मतलब अकाउंट जो आप पूरा साल भर सीखने वाले हो, तुम्हें जे पण शिकणार आहात, तो दोन सब्जेक्ट ने तयार झालेला आहे। एक एक आहे बुक कीपिंग, सेकंड इज कॉल्ड अकाउंटन्सी। सो द एंटायर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अकाउंटन्सी। आपका जो 11th का पहला दिवाली तक का पोर्शन रहेगा, दैट इज ओनली व्हाट बेटा? बुक कीपिंग। और उसके बाद आप जितना अकाउंट में सीखोगे नेक्स्ट 4.5 साल, 12th का सब कुछ, एवरीथिंग इज व्हाट बेटा? अकाउंटन्सी। एंड दैट बिकम युअर सब्जेक्ट कॉल्ड एज अकाउंट। मग तुमचा सब्जेक्ट तयार होईल अकाउंट, ठीक है? सो हमारा जो बुक कीपिंग है उसकी नींव होती है बेटा ट्रांजैक्शन। बेस का तो बेटा सेकेंड सा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम लोग फाइनेंशियल इवेंट्स भी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? फाइनेंशियल इवेंट्स। जैसे अभी आप क्लास में मेरे सामने आके बैठे हो और आते वक्त आपने रिक्शा वाले को 100 रुपए दिए, सो दैट इज व्हाट बेटा? फाइनेंशियल इवेंट। सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। लेक्चर होने के बाद एक जाके वड़ा पाव खाने वाले हो, उसको 20 रुपया देने वाले हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट बेटा? फाइनेंशियल इवेंट। सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द पर्सनल इवेंट, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द बिजनेस इवेंट। तो ये सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद बेटा, आप जहां पे इसको रिकॉर्ड करते हो उस बुक को बोलते हैं, पढ़ के बताओ। ऑनलाइन वाले आप भी पढ़ो, कैसे पढ़ोगे इसको? कुछ लोग फर्स्ट टाइम बिजनेस पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे, कारण अपन पहले वास्तव है हा शब्द है। आप आपका आंसर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु किसमें भी दे दो, मुझे समझ जाएगा। पहली बार जो इंसान इसको पढ़ता है तो उसको क्या बोलता है? जॉर्नल। क्या बनता है ला? जॉर्नल। बट इट इज व्हाट बेटा? जर्नल। क्या बनता है बेटा है ला? जर्नल। हाउ टू प्रोनाउंस इट? जर्नल। जर्नल मीन्स इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन्स। मतलब बिजनेस में कुछ भी हुआ कि जहां पे आप लिखोगे उस बुक को क्या बोलते हैं बेटा? जर्नल। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे आप अभी क्लास में आए हो, 10th का कोई तो बचा हुआ नोटबुक लेके बैठे हो, सो दैट इज योर जर्नल। काही झालं की त्यात लिहायचं, रफ नोटबुक ऑफ युअर सिलेबस इज कॉल्ड एज व्हॉट? जर्नल। सो वेअर यू रेकॉर्ड एव्हरीथिंग, सिमिलरली इन द बिजनेस सेम थिंग हैपन। अब बेटा क्या होता है, जर्नल यानी खिचड़ी है पूरी सारी, बहुत बड़ी, बराबर है? तो हम लोग क्या करते हैं, आप रफ नोटबुक से कहां पे कॉपी करते हो सब लोग?
फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक सब सब्जेक्ट की मिक्स होती है, अलग अलग होती है, आई एज्यूम अलग अलग होती है फेयर नोटबुक, बराबर है? तो बेटा फेयर नोटबुक को अकाउंट में बोलते हैं, पढ़ो इसको, क्या बोलोगे? लेडगेर नहीं बोलने का बच्चा, क्या बोलने का? लेजर, कस वाचणार याला? लेजर, ही वेगळीच इंग्लिश चालू आहे, काय करणार बेटा? लॅटिन वर्ड कन्वर्टेड इन टू इंग्लिश, सो दॅट इज कॉल्ड लेजर. तो सबसे पहले होगा ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे ओमकार खड़ा था लेक्चर के शुरुआत में, उसको मैंने आज सैलरी दी, इज इट अ फाइनेंशियल इवेंट? हाँ या ना बोलो, इज इट अ फाइनेंशियल इवेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ या ना बोलो बेटा. ओंकारला मी पगार दिला 10,000, इज इट फाइनेंशियल इवेंट? यस. फिर सोनाली मैम यहाँ पे अकाउंटेंट है, उनको बोला मैम एंट्री कर दो उस पे, तो मैम ने लिख दिया सैलरी पेड टू ओमकार बोल के, जैसे लिखने की मेथड अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, उन्होंने लिख दिया. तो नाउ दैट एंट्री जो हम लिखते हैं उसको एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? एंट्री, एंटरिंग द ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंट्री. अब वो जो एंट्री है बेटा, वो जो हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल. कहाँ पे लिखते हैं बेटा? जर्नल. और होता क्या है, लाइक योर रफ नोटबुक, जर्नल में बहुत सारी खिचड़ी हो जाती है, एक दिन में 300-400 एंट्री. फिर क्या करते हैं, ओंकार के वैसे 10 एम्प्लॉई है मेरे पास, दिन भर लाखों कैश आ रही है जा रही है, सो आई सेग्रीगेटेड, सो दैट सेग्रीगेशन इज कॉल्ड लेजर. क्या मतलब बेटा था? लेजर. तो लेजर मीन्स फेयर नोटबुक एंड जर्नल मीन्स रफ नोटबुक. अभी समझा? बोल तो अभी आपका अकाउंट का बुक सेपरेट है, तो वो अकाउंट का जर्नल है क्या लेजर है बेटा? लेजर है, समझ में आए? पर आप अकाउंट का भी एक ही बुक में लिख रहे हो, इको का भी एक ही बुक में लिख रहे हो, मैथ्स भी एक ही बुक में लिख रहे हो, तो वो क्या है बेटा? जर्नल. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सो जर्नल इज अ बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द एंट्री कंबाइंड, वेयर एज लेजर वी सब डिवाइडेड द एंट्री. हम नाम के हिसाब से अलग अलग. आपका कभी किराना दुकान में उधारी में अकाउंट है क्या बेटा? किसी का तुमसे अकाउंट है का किराना दुकान? आपल्या घरच्या खाली किराना दुकान असतो, तिथे तो आपली डायरी मेंटेन करत असतो दुकानदार. आप गए कि आपके, आप बैंक में जाते हो तो आपके पासबुक में, पासबुक में आपकी एंट्री होती है, सो योर पासबुक इज योर लेजर. Whereas in bank computer all the customers are together, that is journal. अभी समझा यहाँ पे? फिर क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये बिजनेस में 365 दिन चालू होती है. रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, क्लासीफाई, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. इसको क्या बोलते हैं बेटा? बुक कीपिंग हमारे सब्जेक्ट का नाम है. फिर क्या होता है बेटा, कयामत का दिन आता है, यानी क्या? साल का एंड कब होता है बेटा बिजनेस में? साल का एंड 31 मार्च को होता है. तो उस दिन क्या करते हैं बेटा, ये सारे लेजर अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं, और उसका जो आंसर है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, दैट लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. क्या लिस्ट ला काय म्हणतात बेटा? ट्रायल बैलेंस. ये क्या रहेगा आराम से समझेगा आगे, जस्ट एक वर्ड नए नए है तो समझ लो. और फिर मैं अगर बिजनेस का ओनर हूं बेटा, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, ये क्या फालतू वाले जर्नल लेजर वगैरह कुछ नहीं. ओनर को क्या चाहिए? रिजल्ट. ओनर आता है अकाउंटेंट के पास, महाराज साल भर में क्या दिए लगाए बताओ, यानी क्या? भैया प्रॉफिट लॉस कितना हुआ बिजनेस में, क्या हुआ प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, और फ्यूचर में अपने को भीख मांगना है या अपन एकदम गब्बर शेर रहने वाले, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या रहेगी. तो बेटा प्रॉफिट लॉस के लिए हम लोग अकाउंट में एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं P&L अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट. तो ये सब जब हम करेंगे इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट. इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट. दिस कम अंडर अकाउंटेंसी. ये कहां पे आता है बेटा? अकाउंटेंसी. तो नो डाउट, मुझे आप बताओ बेटा, बिना बुक कीपिंग अकाउंटेंसी हो सकती है क्या? तो बुक कीपिंग इज द बेस फॉर अकाउंटेंसी, एंड अकाउंटेंसी में ही बुक कीपिंग आती है. इसलिए मैंने आपको, अगर याद होगा, मैंने ऐसा एक फिगर ड्रॉ किया था एक दिन, अगर आप शुरुआत के कोई लेक्चर नहीं भी हो तो आप यूट्यूब पे जाके देख लो लेक्चर, पहला लेक्चर देखिए. ये हमारा टोटल सब्जेक्ट है बुक कीपिंग, है ना, अकाउंटेंसी, राइट? तो बेटा ये अगर बुक कीपिंग है तो ये पूरा सर्कल अकाउंटेंसी है. व्हाट आई वांट टू से बेटा, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटन्सी हा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आहे आणि बुक कीपिंग त्याचा बेस आहे. म्हणून आपल्याला 11वीत पहिल्यांदा काय शिकायचं बेटा?
बुक कीपिंग आणि मग आपण काय शिकणार अकाउंटेंसी. तो हमने अभी तक क्या सीखा, आई विल जस्ट रिवाइज द लास्ट फ्यू लेक्चर्स. हमने सबसे पहले सीखा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के टाइप्स और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना. फिर हमने देखा व्हाट इज बुक कीपिंग, ल्यूका डी बार्गो पैसिओली ने उसका इन्वेंट किया था 1494 एन इटालियन हु इज इटालियन मर्चेंट. फिर उसका डेफिनेशन आर एन कार्टर का सीखा था, इट इज एन साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ. फिर उस डेफिनेशन के टुकड़े कर दिए थे, उसको फीचर्स बोलते हैं. देन हमने 13 ऑब्जेक्टिव सीखे थे इफ यू रिमेम्बर, राइट. देन बेटा डायरेक्टली मैंने एक डेंजर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, क्योंकि वो थेरोटिकल है, बाद में सारे स्टूडेंट आने के बाद नहीं भी सिखाए तो चलता है, जो लोग नए हैं उनको, जो लोग सिंसियर है शुरुआत से उनको वो समझे. तो हमने बेटा लास्ट वीक में अमिताभ बच्चन के डायलॉग से स्टार्ट किया था. मोहब्बतें मूवी का कौन सा डायलॉग है, परंपरा प्रतिष्ठा एंड अनुशासन. तो अकाउंट में क्या होता है बेटा, परंपरा, परंपरा को बोलते हैं कन्वेंशन, परंपरा मंजे क्या है बेटा, कन्वेंशन. देन अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, अजम्पशन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट. और अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, रूल्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स. सो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन त्यालाच आपण म्हणतो बेटा, दैट इज बुक कीपिंग में कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशन एंड प्रिंसिपल. अभी मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करके दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा. अगर आपको याद होगा, कोई भी चीज ऐसे होती है, ऐसे अज्यूम करो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट. मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल. क्यों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 10th के 3 स्टूडेंट आए मेरे पास, एक को मार्क्स नंबर में मिले हैं, दूसरे को मार्क मिले हैं स्टार्स में, और तीसरे को ग्रेड में. तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हु इज स्कॉलर. पर अगर तीनों के भी मार्क्स नंबर में, या तीनों के भी मार्क्स ग्रेड में, या तीनों के भी अगर स्टार में हो, तो आई कैन कंपेयर. सो सिमिलरली अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंसी सेम चलती है. तो अगर सेम चलती है तो सबको सेम समझ में आना चाहिए. पर सेम समझ में कब आएगी, जब इसके रूल्स जो है वो यूनिवर्सल हो गए, यानी पूरे वर्ल्ड में. इंडिया में सीख रहे हो तो सेम, पाकिस्तान में सेम, अफगानिस्तान में सेम, और यूएस में भी सेम, देन ओनली अकाउंटेंसी विल बी अंडरस्टैंड. अभी तो हर, आज माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यूएस में भी है, इंडिया में भी है, रिलायंस का ऑफिस वर्ल्ड के 100 कंट्री में है. तो वो जब अकाउंटेंट इंडिया में बैठ के कंपाइल करेगा, उधर का अकाउंटेंट बोलेगा ए भाई अपने पास अफ्रीका का अलग रूल है, इधर पाकिस्तान वाला बोल रहा है हमारे पास तो रूल ही नहीं है, इंडिया वाला बोल रहा है ए भाई सिस्टम से कर, तो मिक्स मैच हो जाएगा पूरा, हाँ या ना. तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड क्या होने चाहिए, रूल सेम, दैट इज गिवन इन द प्रिंसिपल. और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये अज्यूम करो, इंडिया में अज्यूम करो तो पूरे वर्ल्ड में भी यही अज्यूम्पशन रहे. पर कन्वेंशन जो होते हैं बेटा, दैट कैन डिफर. कन्वेंशन मंजे क्या है बेटा, ट्रेडिशन. अभी इंडिया में ट्रेडिशन है कि लेडीज शादी होने के बाद बाबा साड़ी पहनती है, पर ये पूरे वर्ल्ड में रहेगा क्या बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी. सो अकाउंटिंग के जो कन्वेंशन है दैट कैन बी चेंज कंट्री टू कंट्री, बट द कॉन्सेप्ट नेवर चेंज, प्रिंसिपल नेवर चेंज. हैव यू अंडरस्टैंड दिस. हमारे यहाँ पे अकाउंट लिखते वक्त टू एंड बाय नरेशन में बिंग लिखने की मेथड है, पर सपोज यूएस में बिंग ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख देते होंगे. सो दैट इज नॉट एट ऑल अ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन. उन्होंने वैसे सीखा वो वैसे लिख रहे, हमने ऐसे सीखा हम ऐसे लिख रहे. सो कन्वेंशन कैन बी डिफरेंट. कन्वेंशन यानी क्या बेटा, ट्रेडिशन. कन्वेंशन म्हणजे काय, रूढ़ी परंपरा, त्या प्रत्येक देशातल्या वेगवेगळ्या असू शकतात, परंतु कॉन्सेप्ट आणि प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड काय असतात बेटा, सेम. तो उसका हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा था बेटा, अगर आपको याद है बोलो कौन सा था बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या, फार मजा येईल समजायला. जस्ट रिवाइज करता हूं, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस का नाम दे दिया अपन ने कुछ, तो समझो चंपा प्रोविजन स्टोर, ये ऐसा इसका नाम है. इसका मालिक है चंपकलाल, और इसने एक अकाउंटेंट रख दिया दुकान को चलाने के लिए, जिसका नाम है झंपकलाल. ठीक है, अब झंपकलाल को अपॉइंट करने के बाद, झंपकलाल को किसने अपॉइंट किया बेटा, झंपकलाल ने. अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारा अकाउंटेंट है झंपकलाल, उसने अकाउंटिंग ओनर को पूछ के करनी चाहिए या बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, इवन इफ ओनर इज पेइंग यू सैलरी, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस.
तो हमारा जो झंपक लाल है ये इसके गोद में जाके नहीं बैठेगा। हमारा झंपक लाल कहाँ पे बैठेगा बेटा? बिजनेस में। एंड ऑल द एंट्री झंपक लाल इज गोइंग टू पास नॉट विथ अजम्पशन ही इज अ ओनर, ही विथ अजम्पशन ही इज रिप्रेजेंटिंग बिजनेस। और इस कॉन्सेप्ट के कारण हमें ये रूल पता चला, हमको दो शब्द पता चले। कौन से दो शब्द पता चले बोलो? कैपिटल, और बोलो बेटा बोलो कौन से दो शब्द? ड्रॉइंग्स। कौन से दोनों शब्द कहलाते बेटा? कैपिटल और ड्रॉइंग्स। बताओ बोला इसका मीनिंग क्या होता है? कैपिटल मंजे का यानी ड्रॉइंग मंजे का है, बोलो बेटा। द ओनर वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूट टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड एज वॉट बेटा? कैपिटल। एंड वॉट एवर अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये हमने सीखा था। आज का मेरा पूरा लेक्चर बेटा इस दो शब्द पे है। कौन से शब्द पे? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। आपको मैं 10 एग्जाम्पल अभी लिख के देने वाला हूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स कैपिटल और इट्स ड्रॉइंग। और दूसरा मुझे आंसर चाहिए आपके पास से। एक एग्जाम्पल देता हूं। मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 10,000। रमेश ने 10,000 रुपए ने बिजनेस की शुरुआत के ली। इट मीन्स क्या होता है बेटा? ये रमेश का बिजनेस है, ये रमेश है। रमेश ने बिजनेस को 10,000 दिए, बराबर है बेटा। तो अब जो अकाउंटेंट है यानी आप, तो आपने क्या अज्यूम करना चाहिए कि बिजनेस में कैश कम्स इन और कैश गोज आउट? कम्स इन। अगर आप रमेश को रिप्रेजेंट करते तो आप क्या बोलते? कैश गोज आउट, दैट इज रॉन्ग। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? भैया तुझे पगार रमेश दे रहा है लेकिन तू रमेश का आदमी नहीं है, तू किसका आदमी है? बिजनेस का। एंड ऑल द ट्रांजैक्शन इज मेड विद अ व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, नॉट विद अ व्यू पॉइंट ऑफ रमेश। हैव यू अंडरस्टैंड? तो मैं अभी आपको क्या बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बेटा 10 ट्रांजैक्शन लिखने वाला हूँ। आपको खाली मुझे बोलना है कि सर ये कैपिटल है या ड्रॉइंग है, और अगर कैपिटल है या ड्राइंग है ये कंफर्म हो जाए तो उसको कैपिटल बोलोगे या ड्राइंग बोलोगे। ऑल ऑफ यू रेडी? चलो लिख के लो बेटा। ये पहले वाले का क्या आंसर है बोलो? कैपिटल। वेरी गुड। ऑल ऑफ यू रेडी? सब लोग तैयार हो बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट सगे तैयार आहत? चला वन बाय वन। नंबर टू मिस्टर दिनेश commenced business by rupees 1 lakh. Number 3, Mr. Ravi sold his house for rupees 20 lakhs and amount invested in business. Number 4, पहले लिख लो ये तीन, एक एक लाइन छोड़ते जाओ लिख के। सारे रेगुलर बैच विथ ऑल द टाइम टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 15th सैटरडे से चालू हो जाएंगे। आपको पूरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा। कुछ भी पोर्शन अभी तक आपका उतना मेजर मिस नहीं हुआ है। ऑल द लेक्चर्स आर देयर ऑन द यूट्यूब अभी तक के जितने हुए हैं। इसके अलावा भी फिर एक बार हम लोग पढ़ा देंगे वो, पर और लेट मत करो। लिखा बेटा? Mr. Ramesh started business with 10,000. Second is Mr. Dinesh commenced business by rupees 1 lakh. Third is Mr. Ravi sold his house for 20 lakh and amount invested in business. Likha? Next, dekho beta, uske baad. Number 4. Mr. Ramesh withdrawn ya withdrew rupees 5,000
फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज नंबर 5 मिस्टर दिनेश पेड रुपीज 20,000 फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस डॉटर्स कॉलेज फीस नंबर 6 मिस्टर रवि पेड ये बहुत आईएमपी है ये प्रॉब्लम में आता है हाँ आज उस पेपर फोड़ते लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस रुपीस 1,000 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 पेड सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट रुपीज 2,000 डोमेस्टिक सर्वेंट म्हणजे घर काम करणाऱ्या व्यक्तीला लाईक अ मेड नंबर 8 ट्रान्सफर रुपीज 10,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट थोड़े डेंजर डेंजर लिख के दे रहा हूं ओके क्योंकि आपको परफेक्ट बनाना है बेटा सबको और लास्ट नंबर 9 ट्रांसफर रुपीस नहीं और एक लिख के देता हूं 5,000 फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट और नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग देखो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है खाली देख लो रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ रुपीज दोंड्याचा महिना आहे म्हणून एक्झाम्पल 11,000 सेम डिपॉझिटेड इन टू बिझनेस चलो देखो बेटा अच्छे से रीड करो अच्छे से डिसाइड करो देन राइट द आंसर द ओनली थिंग इज इट इज सिंपल देन कौन बनेगा करोड़पति देर वेर फोर ऑप्शन हियर ओनली टू इधर इट्स अ कैपिटल और इट्स अ ड्रॉइंग हाँ देर में भी थर्ड आंसर हमको नहीं पता कोशिश करो आई विल गिव यू 5 to 10 minutes टाइम डू इट
चलो ऑनलाइन वालों तैयार हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट रेडी, ऑफलाइन स्टूडेंट रेडी, यू ऑल कैन गिव द आंसर। और दो तीन मिनट दे देते हैं आपको, इससे इसके बाद जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी कि ये एंट्री कैपिटल की है या ड्राइंग की। कैपिटल मीन्स मनी गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस, ड्राइंग मीन्स मनी टेकन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, राइट? तैयार हो बेटा? ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल द स्टूडेंट रेडी? यस यस सर। ऑनलाइन वाले तैयार हो क्या बेटा? शैल वी बिगिन? यस ओके मिताली, चलो बोलो बेटा। मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस, ये सबको समझा क्या कैपिटल? यस परीक्षित, श्रुतिका, शंकर, वेरी गुड बेटा। चलो अभी दूसरा वाला बोलो। दिनेश कमेंस बिजनेस बाय 1 लाख, दिनेश ने बिजनेस की स्टार्ट की, बोलो 1 लाख से, इज इट कैपिटल? यस कैपिटल। यस ये क्या है बेटा? कैपिटल। कितने लोगों का बराबर है? वाओ वेरी गुड। चलो किसी को दिक्कत है इसको समझने में? नो। नंबर थ्री, मिस्टर रवि सोल्ड हिज हाउस फॉर 20 लाख, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैपिटल। रवि ने खुद का घर बेचा और घर बेच के पैसा किसको दिया? बिजनेस को। हमको उसके घर बेचने से कुछ लेना देना नहीं है, पैसा कहां पे आया? बिजनेस। विषय क्लोज। जबते नेक्स्ट, मिस्टर रमेश विड्रू रुपीज 5000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यस परीक्षित, बोलो बेटा। ड्रॉइंग, खुद के लिए पैसा लिया, बोले कि क्या बोलने का? ड्रॉइंग। यहां तक चीजें थोड़ी सिंपल थी, अब मजा आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे श्रुतिका, वेरी गुड। मिस्टर दिनेश पेड 2000 फॉर 20,000 फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस, मुलीचा कॉलेजच्या फीस साठी पैसे दिलेत बिजनेस मधून, इज इट पर्सनल एक्सपेंसेस? यस। तो बिजनेस से पैसा गया है, एवरी टाइम यू हैव टू अज्यूम इट इज इन द बिजनेस। तो ये क्या है बेटा? ड्रॉइंग। ये क्या है? ड्रॉइंग। आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप पर्सनल ट्रांजेक्शन है, मनोज ड्रॉइंग है, एवरीथिंग हैपन इन द बिजनेस, सब बिजनेस में ही हुआ है। बिजनेस के गले में से 20,000 निकाले, लड़की की फीस दे दी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉइंग्स। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? चलो आगे। इसको मैंने स्टार किया है बेटा, तुम्हारे कॉलेज का पेपर आज ही मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऐसे रहेगा। मिस्टर रवि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस, रवि ने बिजनेस में से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, पर्सनल होता है, तुम्हारे लाइफ का खर्चा है, बिजनेस का नहीं है। फायर इंश्योरेंस बिजनेस का होता है, लाइफ इंश्योरेंस इज पर्सनल, सो इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो एग्जाम में ये पूरी एंट्री करते हो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं लिखते है, डॉटर फीस वगैरह कहीं लिखते नहीं, डायरेक्ट क्या लेता है? ड्रॉइंग। एक शब्द क्या ले तो बेटा? ड्रॉइंग। ये कितने लोगों का सही आया लाइफ इंश्योरेंस? वाओ वेरी गुड। यस वेरी गुड मुजम्मिल, ओके बेटा वेरी गुड। चलो, पेड सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट 2000, डोमेस्टिक सर्वेंट यानी घर के काम करने वाले को पैसे दिए। ड्रॉइंग। अगर बिजनेस में कोई काम करता है, समझो बेटा मैंने अभी ओंकार को सैलरी दी, तो ये ड्रॉइंग रहेगी या एक्सपेंसेस रहेगा? एक्सपेंसेस। पर मैंने हमारे घर में जो मावसी काम करते हैं उनकी सैलरी दी, दैट इज व्हाट? ड्रॉइंग। क्लियर है? डोमेस्टिक यानी पर्सनल। अब बहुत इंटरेस्टिंग है नंबर 8 और 9। 8 और 9 कितने लोगों को आए हैं? ओके ऑनलाइन में 8 और 9 कितने लोगों को आए हैं? अच्छा बेटा इधर ध्यान दो, आप में से कितने लोगों को सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का फर्क पता है, तो ही आपको 8 और 9 का आंसर आएगा। व्हाट इज सेविंग अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट? 1 2 3 4 ऑनलाइन में तन्वी को पता है। ओके बोलो बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट? सेविंग में लिमिटेड ट्रांजैक्शन, नो लिमिट। और क्या पता है? सेविंग इज फॉर पर्सनल, करंट फॉर बिजनेस। आप
इतना ही। तन्वी तूपन हैंड रेस के लिए, तू बोल बेटा। जोशी बोला सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट मध्ये फरक काय आहे? ओके बोलो बेटा, सेविंग और करंट में फर्क क्या है? सो इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है बेटा, सेविंग अकाउंट नवनीत मानधनी को बैंक से खुद के ट्रांजैक्शन करने हैं तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? सेविंग। पर एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस के ट्रांजैक्शन लिखने हैं करंट। तो बेटा जब आप पैसा करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में डालोगे, इट मींस बिजनेस इज गिविंग टू ओनर, सो इट्स ड्रॉइंग। एंड व्हेन आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में डालोगे, इट मींस ओनर इज गिविंग मनी टू बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये सबको पता चला क्या? हाँ या ना? मैं मेरे अकाउंट से अभी 5 लाख निकाल के एम्बिशियस कॉमर्स क्लास के अकाउंट में डाल रहा हूँ, इसका मतलब नवनीत माननी बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो हे काय बेटा, कैपिटल। परंतु मी बिजनेसच्या अकाउंट मधून 5,000 रुपये काढतोय आणि किराणा बिल देतोय, तो ये मेरा कौन सा हो गया? करंट टू सेविंग, तो ये क्या हो गया? ड्रॉइंग। अब बोलो मुझे फिर, व्हाट इज द आंसर फॉर नंबर 8? कैपिटल, वेरी गुड। कैपिटल। व्हाट इज द आंसर फॉर 9? ड्रॉइंग। अब नंबर 10 है, बहुत खतरनाक। रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ 11,000, सेम डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस। कैपिटल। ससुर जी ने गिफ्ट दिए 11,000, दोंड्याचा महिना आहे म्हणून दिला त्यांनी, आणि ते रुपये मी बिजनेस मध्ये टाकून टाकले, सो इट इज व्हाट बेटा? कैपिटल। तो यहाँ पे ससुर दोंड्याचा महिना वगैरे काहीच येणार नाही, इट इज अ कैपिटल गिवन टू द बिजनेस। अंडरस्टैंड? ओके चलो, अब आज का हम सेकंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम होके बीच में से टॉपिक सीख रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि अभी तक 11-12 पेज हो गए, जस्ट वी डन विथ 1.5। अभी बेटा आपके स्क्रीन के सामने कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, पढ़ो सब लोग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अभी जरा ध्यान दो मैं जो चीज बोल रहा हूँ, फिर आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा आपके घर में एक मेड है जो दिन भर काम करती है, उसकी सैलरी 5,000 रुपये है। आपके यहाँ एक ड्राइवर है, उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, उनको आप पेड करते हो। तो ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, अगर बिजनेस से दे रहे तो ड्राइंग्स बोल के, बराबर है। पर आपकी मम्मी जो है वो पिछले जब से आप पैदा हुए हो तब से अभी तक काम कर रही है आपके लिए, सुबह उठ के खाना देती है, नाश्ता देती है, आपके कपड़े तैयार रखती है, आपकी बैग तैयार रखती है, आपके कॉलेज में जाके मिलेगी, स्कूल में आती है, सब करती है। मम्मी का सैलरी कितना है क्या? मम्मी का सैलरी? पापा बाहर जाके कमाते हैं क्योंकि आपको अच्छा जीवन मिले, आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े, सब मिले, तो पापा की सैलरी कितनी है? आप काउंट कर सकते हो? मतलब आपके लिए पापा की सैलरी कितनी, आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पापा जो आपके लिए करते हैं उसकी मनी में वैल्यू कर सकते हो क्या आप? मम्मी जो आपके लिए कर रहे हो उसकी मनी में वैल्यू कर सकते हो क्या? अगर आपके दादा दादी है वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसकी पैसों में वैल्यू कर सकते हो क्या? नहीं। आप अभी रस्ते में आते हो कि एक भिखारी मिला, उसको रास्ता क्रॉस नहीं करते आ रहा था, आपने करा के दे दिया, उसके पाँव नहीं थे, एक अंधा था, उसको रास्ता क्रॉस किया, उसकी मनी वैल्यू कर सकते हो क्या आप? नहीं। आप गिर गए, आपको आके किसी ने उठाया, अच्छे से पानी वानी दिया, आप उसकी मनी वैल्यू काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो बेटा वी रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मेरे क्लास की, तो मेरा क्लास किस पे चलता है बेटा? टीचर्स पे। मेरा क्लास किस पे चलता है? मेरे एडमिन के स्टाफ पे, सोनाली मैम है, ओंकार है, गुंजन सर है, सब लोग है। पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सोनाली मैम 5 करोड़ के एसेट है, गुंजन सर 2 करोड़ के है, ओंकार 1 करोड़ का है, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? मैं खाली क्या बोल सकता हूँ, माजा स्टाफ फार प्रामाणिक है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा काम करता है, शाला है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत अच्छे है, बहुत सालों से। पर मैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता हूँ क्या? बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ क्या? 10 करोड़ का ओंकार और एक स्टाफ बहुत कमीना है, 5 करोड़ की लाइबिलिटी बोल दिया मैंने उसको, ऐसे हो सकता है क्या बेटा? नहीं।
तो हम बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो क्या होते हैं बेटा, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए आपको अगर कोई चीज फ्री में मिल गई तो उसकी आप एंट्री करोगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हम कर सकते हैं क्या? नहीं। आपने किसी को ऑर्डर दिया, गुड्स भेज दे, ना उसने भेजा, ना कुछ किया, ना आपने कैश दी, उसकी एंट्री होगी क्या? मैंने कल से बोला तू आजा बेटा अपने ऑफिस में काम करने को, तेरा सैलरी 10,000 है, पैसे दिए क्या तुमको? उसकी एंट्री होगी क्या? नहीं। तो वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कारण अपन जावेस एंट्री करतो बेटा, हमारा एंट्री जब जर्नल में करते हैं, जब आप अभी आगे सीखोगे तो ये जर्नल के ऐसे कॉलम होते हैं बेटा, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है 10,000, 20,000 जो भी है। सपोज कोई ट्रांजैक्शन की वैल्यू ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते क्या हम? मेरे पास एक कस्टमर आया अभी 10 मिनट पहले और मुझे शाबाश की देके गया, आओ आमचा नालायक 5 वर्ष नापास होत होता 12वीत, तुमच्याकडे क्लास लावला, पास झाला, तुमचा फार आभारी आहे, कसे फेडेल तुमचे पुण्य मला कळत नाही आहे, और रो रो के बोल रहा है, तो मैं उसकी एंट्री करूंगा क्या? नहीं करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद खुश होकर उसने गले की चेन निकाल के दे दी 1,00,000 की, फिर करूंगा? समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझे क्या आप? सो वी रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही बोलता है, रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देर इज नो प्लेस फॉर इमोशन, देर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमन वैल्यू। एक्चुअली मेरा तो क्लास चली लोगों पे रहा है, लोगों पे यानी मेरे स्टाफ पे, लेकिन मैं स्टाफ की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर सकता है। तो बिजनेस में वही चीज रिकॉर्ड होती है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अभी जो स्क्रीन पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट दिख रहा है वो सब लोग एकदम बढ़िया से पढ़ो, जो मैंने बोला वही उसमें है। कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, और जिनके पास बुकलेट है बुकलेट में देख सकते हो, बुकलेट नहीं है तो स्क्रीन पे देखो बेटा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो चीज पैसों में, अच्छा मनी डज नॉट मीन इंडियन रूपी, इट कैन बी एनीथिंग। आपके फॉरेन करेंसी है तो डॉलर गिन सकते हो आप, यूरो आप गिन सकते हो, सो इट कन्वर्टेड इनटू एनी करेंसी बट इट मस्ट बी मेजरेबल। आज बरसात बहुत हुई, ये मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। इट कैनॉट बी मेजर्ड, इट इज मेजर्ड बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे बोल सकते हो क्या, पुण्यात 3 कोटीचा पाऊस पडला, मुंबई मध्ये 10 कोटीचा पडला? नाही। सो वी कैनॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो वी नेवर रिकॉर्डेड, राइट? देखो इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो बेटा। कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो पूछो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट। अच्छा मनी मेजरमेंट डज नॉट मीन कि कितना क्वांटम है। अगर मैंने 1 रुपए का जेरोक्स निकाला तो भी एंट्री करनी चाहिए, और मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ली तो भी एंट्री करनी चाहिए। मनी मेजरमेंट डज नॉट मीन कि क्वांटम ऑफ अमाउंट कितना है। 10 पैसे भी रहेंगे, गिनते आते हैं कि नहीं, बोलते अभी 10 पैसे नहीं है अस्तित्व में, पर तो भी लिखने का, that is called money measurement concept. Is it okay? चलो next concept का नाम है बेटा cost concept. थोड़ा सा danger है, कोशिश करते हैं समझने की, आप सबको आएगा मुझे guarantee है। क्या नाम है बेटा? cost concept. हमारी जो accounting है ना बेटा, वो कुछ हद तक उसके एक demerit है, बोलो disadvantage. One of the disadvantage of accounting is we record entries एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम एंट्री किस बेसिस पे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्ट्री यानी क्या, फ्यूचर या पास्ट? पास्ट। अभी एक एग्जांपल देता हूं, समझो बेटा ये क्लासरूम की जो बिल्डिंग है ये मैंने 2001 में 60 लाख में परचेस किया था, 60 लाख। आज इसकी वैल्यू 60 लाख रहेगी क्या बेटा? मे बी सम्पोज 3 करोड़ है,
तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 3 करोड़ नहीं लिखा जाता, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जितने में ली थी वही वैल्यू कंटिन्यू रहती है, यानी कितनी वैल्यू कंटिन्यू रहेगी 60 लाख, इवन 60 से कम, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा उसमें से, पर इन जनरल मोटा मोटी 60 लाख रहेगा। क्या लॉजिक होगा बेटा ऐसा लिखने का, कोई बोल सकता है? सही, तो इससे फाइनेंशियल पोजिशन ओरिजिनल समझेगी नहीं, बराबर है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास तो 3 करोड़ की है बिल्डिंग, पर लोगों को तो लग रहा है 60 लाख की है, तो मेरे एसेट कम दिखेंगे कि नहीं? पर क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखते हैं, किसी को पता है? अगर बेटा हमने कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिखा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज होते रहेंगे। समझो बेटा 2001 से लेकर 10 तक मार्केट बहुत ऊपर गया, मैंने 60 लाख का 6 करोड़ लिख दिया 2010 में, और फिर प्रॉपर्टी मार्केट गिरते रहा, कभी ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, तो हर साल वैल्यू बदलेगी, और हर साल वैल्यू बदलेगी तो लेमैन को समझ पाएगा कि कितने का है? कभी नहीं समझेगा, उसको लगेगा कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है कोई भी, तो उसको रियल सिचुएशन नहीं समझेगी। पर अगर मैं लिख दूं कि भैया ये बिल्डिंग मेरे पास 2010 से 2001 से है, जो मैंने 60 लाख में ली थी, जिसको देख के समझना है वो समझ लेगा कि भले ही 60 लाख दिखा रहे सर, पर ओरिजिनल में आज 3 करोड़ के, पर मैंने आज 3 करोड़ कर लेने का, और नेक्स्ट ईयर अचानक मार्केट, समझो ऐसे समझो कि यहाँ पे रशिया ने पूरे बॉम्ब डाल दिया आजू बाजू में स्पीकर, और अभी एक ही बिल्डिंग बची है, तो कोई 60 लाख में भी लेने को तैयार नहीं, 10 लाख में भी लेने को तैयार नहीं, दूसरे साल 10 लाख हो गई वैल्यू, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे। तो हमेशा अकाउंटिंग जो की जाती है वो कॉस्ट प्राइस से की जाती है। किस प्राइस से की जाती है? कॉस्ट प्राइस। सो व्हेनेवर यू रिकॉर्ड द एसेट, यू रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट बेसिस, नॉट एट अ प्रेजेंट वैल्यू, नॉट एट अ प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट एनआरवी जो बोलते हैं हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी आज की कीमत, वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, कभी ऊपर भी रह सकती है। समझो बेटा लास्ट ईयर प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ऊपर था, और मैंने इसके ऊपर का क्लासरूम लिया 5 करोड़ में, और अभी अचानक मार्केट में स्लो डाउन आ गया, अभी हो गया 4 करोड़ का, तो मैं 5 को 4 करूंगा क्या? मैं 5 ही रखूंगा। तो आवर अकाउंटिंग इज ऑलवेज मेड एट विच प्राइस बेटा, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की प्राइस, यानी उस दिन की प्राइस, यानी हमारे जेब से उस दिन कितने गए? कॉस्ट प्राइस, खत्म। बाद में उसको बढ़ने दो कम होने दो, दैट इज सेपरेट। हाँ, बेचोगे तब प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना, बोलो बेटा मैंने ये बिल्डिंग 60 लाख में ली और आज मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने 3 करोड़ में बेच दी, तो अब आई कैन रिकॉर्ड 2 करोड़ 40 लाख प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज 3 करोड़। पर मैं अगर बेच नहीं रहा हूं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखना चाहिए बेटा? 60 लाख, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन नहीं होंगे बुक्स में, घड़ी घड़ी ऊपर नीचे जरूरत ही नहीं, एक बार ले ली 60 लाख लिख दिया विषय खत्म, एक बार ले ली 4 करोड़ लिख दिया विषय खत्म, तो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। वो गलत है, ये मुझे भी पता है, उससे आपका वैल्यूएशन गलत होगा, लेकिन एक कुछ तो डिसाइड हो, तो डिसाइड एक ही है भैया, कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जनरली वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इज इट ओके? ये जरा एक बार पढ़ लो बेटा, कुछ समझ में आता है क्या? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये 11th के लेवल के लिए थोड़ा बाउंस जाने वाला टॉपिक है, थ्योरी का ही है, लेकिन ये किसी भी कॉलेज में आपको पढ़ाएंगे नहीं। मेरी ऐसे इच्छा है कि आपका अगर ये फंडामेंटल अच्छा हुआ तो जीवन में कभी भी अकाउंटिंग आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगी, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। इसका एक वाक्य तुम्हारा, पहला क्या आएगा, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट अंडर डैश कॉन्सेप्ट, बोलो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रश्न एवढाच येणार आहे परीक्षेत, सरांनी त्याच्यावर पूर्ण एक लेक्चर घेतला। सेकंड, रेकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजॅक्शन विच कॅन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज अंडर डॅश कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अँड ट्रांजॅक्शन आर रेकॉर्डेड ऍट इट कॉस्ट नॉट ऍट मार्केट प्राइस, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये 3 लाइन के लिए इतने बड़े 2 लेक्चर लिए हम। हैव यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई वर्ड नहीं समझ रहा ऐसे कुछ है बेटा? ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, कुछ है दिक्कत इसमें? पक्के से नहीं है? चलो आज बेटा आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, पहला होमवर्क ऑफ द ईयर, फर्स्ट होमवर्क अलाउड है क्या बेटा, है या नहीं है? तो मैं आज आपको यहाँ पे 10 वर्ड लिख के देने वाला हूं, आप उसको गूगल कर सकते हो,
आप आपके फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, मम्मी पापा कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको पूछ सकते हो, आपने जो जो गूगल किया है उसका आंसर आप मुझे कल दोगे, चलेगा? रेडी? चलो लिखो पहला वर्ड, पहला वर्ड इसको पढ़ोगे कैसा? डेप्टोर नहीं बोलेगा, पहले दिन आप क्लास में गए कॉलेज में डेप्टोर बोला कि समझ जाएगा आकरावी पहला दिवस, इसको पढ़ते हैं डेटर। कैसे पढ़ते हैं बेटा? डेटर, बी था उच्चार नहीं करे था, डेप्टोर नहीं मना था, डेटर। सेकंड वर्ड क्रेडिटर, थर्ड वर्ड बैड डेट्स, फोर्थ वर्ड सॉल्वेंट, फिफ्थ वर्ड इनसॉल्वेंट, सिक्स्थ वर्ड एसेट, सेवेंथ वर्ड लायबिलिटीज। अभी ये एट और नाइन आपको पता है, लेकिन आप लिख के लाओ आपको जो समझता है। कैपिटल ड्रॉइंग्स, और लास्ट वाला थोड़ा टफ दे रहा हूं, गुड्स सबसे इजी है, गुड्स। डन बेटा? अभी तक सब समझ में आया? आपको बहुत टाइम है, अभी कॉलेज चालू होने को और 15 दिन है, तब तक जितनी बार टाइम मिलता है एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस ये यूट्यूब चैनल है उस पे जाओ। अगर एक ही मिनट यहाँ पे यूट्यूब है तो मैं ये करता हूँ। और उसमें मैं कहाँ पे लेक्चर है वो बता रहा हूँ आपको, तो आप और जितनी बार देखोगे बेटा उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे है ना, हमने लेक्चर कहाँ पे रखे, देखो ये लोगो और मेरा फोटो रहेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस में, ये देखो ये वीडियोस में, ये यहाँ पे लाइन से है, देखो ये हमारा पहला लेक्चर था, ये जी के ऊपर वाला दिख रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर था ये वाला, जो देखो ये दिख रहा है, ये मैं ओपन करके बताता हूँ, ये पहला लेक्चर था अगर आपको याद होगा तो, आप में से कितने लोग थे पता नहीं। तो ये जितने भी लेक्चर है बेटा ये आपको पूरे करने हैं, ये पूरे देखने के हैं। और आप अगर तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना टाइम है आप जितना रिपीट करोगे उतने बार आपको अच्छा जाएगा। और हमने बहुत स्लोली लिया है, अभी इस वीक से गाड़ी सेकंड गियर में जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे बहुत ज्यादा हो गया तो कल या परसों तक खत्म हो जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट उससे रिलेटेड थ्योरी चालू कर देगा, ठीक है? तो कल मिलेंगे। आपके कोई फ्रेंड है अगर वो आ नहीं सकते, दे कैन ज्वाइन ऑनलाइन, या गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा या यूट्यूब पे देख सकते हैं। जिनको यहाँ पे आना जमता है तिलक रोड पे 9:30 से 10:30 SP कॉलेज के सामने, और अगर यहाँ पे नहीं जमता है तो सातारा रोड धनकौड़ी में 4:30 से 5:30 होता है शाम में सेम, और मैं आपको शनिवार को पूरा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल दे दूंगा। डन? चलो बाय बेटा, या आसस फिरत फिरत।